हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आपके टाइम की कीमत को हम समझते हैं, जैसा कि टाइटल दे रखा है। तो एक्चुअल में क्या है कि जितने भी शिफ्ट के अभी तक पेपर हुए हैं, वो सारी शिफ्टों की देखो नीचे पीडीएफ है। ये देखिए, यहाँ तक पूरा के पूरे ये जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं आज तक, मतलब जितने भी पेपर हुए हैं उनका सबका ये दे दिया है। अभी तक जेई के जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है तो उनकी सबकी पीडीएफ है इसमें। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट का भी मौका दूंगा। फिलहाल जो है अभी कम समय लेते हुए 24 तारीख के एनालिसिस कर देते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस जो हमारे पास आए हैं 24 तारीख के। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछी गई जी की, ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। विलियर्ड खेल किससे संबंधित है, ये भी सेकेंड का है। निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्रिकेट दे रखा था उसके आगे बॉल दे रखी थी, इसी तरह से बिलियर्ड और उसके आगे पूछा था बिलियर्ड से क्या संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा डेयरी प्रोडक्ट है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक पूछा गया, वॉशिंगटन डीसी। आईएनएस विक्रांत क्या है, एयरक्राफ्ट करियर है। C2H5OH की मतलब एल्कोहल की H2O से रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा। यूनिट ऑफ पावर पूछी गई है, जो वॉट होती है। क्षार ये धातुएं पूछी गई कि कौन से ग्रुप में होती हैं पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप वन के अंदर होती हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछे क्षार ये मृदा धातुएं, तो ग्रुप सेकंड। क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछा गया, CHCl3। बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से संबंधित है। डॉक्टर कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं, तो अवतल दर्पण यूज़ करते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स, आप जानते ही हो कि सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है सॉलिड्स में होती है, सबसे कम जो होती है गैस में होती है। चाहे इसमें ऑप्शन ऐसे दे रखे हों कि कोई मान लीजिए आपको दे दिया कि सोडियम पोटेशियम, इस तरह से अगर कुछ भी देगा तो आप ध्यान रखना। IUPAC नाम से एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक्चुअल में ये C3H8 नहीं था, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनी हुई थी और यहाँ पे H वगैरह लगे हुए थे, आपसे पूछा जा रहा था। सिंपल था, कोई डबल बॉन्ड नहीं था। आपसे पूछा गया था कि इसका नाम क्या है, तो आप लोग जानते ही हो कि क्या नाम होगा। उसके बाद नोबेल गैस रिलेटेड क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं। हाथी पांव रोग किसके कारण होता है, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। पहला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ, 1930 में। और इंडियाज मोस्ट ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश। रावण वन किस देश की सैटेलाइट है, श्रीलंका की सैटेलाइट है। इसी तरह से अभी मैं और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप रुके रहना क्योंकि इसकी जो स्क्रीनशॉट है आपको मैं लास्ट में अच्छे से, आप जैसा मन चाहेगा वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसके बाद आया पहला मसाला सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो शायद ये केरल में हुआ है, कोच्चि में। फेडरेशन कप किस खेल से रिलेटेड है, ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है। सतारिया डांस असम, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें विराट कोहली या मीराबाई चानू होगा इस साल का, और पिछले साल का तो आपको पता है देवेंद्र झांझरिया को मिला था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पूछा गया, COH की होल ट्वाइस। स्कर्वी किसके कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण। बनवटे एफ अपॉन बनवटे यू, यहाँ से आप लोग जानते हैं कि एक लेंस का फॉर्मूला होता है, लेंस के फॉर्मूले में प्लस आता है और जो हमारा सॉरी लेंस के फॉर्मूले में माइनस आता है, और उस वाले जो फॉर्मूला होता है दर्पण वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें मिरर वाले फॉर्मूले में हमारा प्लस का फॉर्मूला प्लस आता है। इसी तरह से अमलगम पूछा गया, तो आप लोग जानते हैं पारा किसी भी धातु के साथ अगर मिल जाता है तो हमारा अमलगम बन जाता है। काली खांसी का दूसरा क्या नाम है, तो आप देख लेना इसे, काली खांसी को कुकर खांसी कहते हैं या देख लेना ध्यान से, मुझे इसका पक्का ध्यान नहीं है। गुलाम वंश से कौन संबंधित नहीं है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया। फर्स्ट वुमेन CM इन इंडिया, तो सुचेता कृपलानी जी थी शायद। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना, शायद हैदराबाद में है, मुझे इसका पक्का नहीं पता है। घरों की वायरिंग किस में होती है, तो घरों की वायरिंग जो है पैरेलल में की जाती है, इसका रीज़न आपको पता ही होगा। और इसरो युवा साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, उसके बारे में देख लेना। अल्ट्रासोनिक वेव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, और शरीर के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए क्या किया जाता है, CT स्कैन वगैरह किया जाता है। ये क्वेश्चन एक बार ऐसे भी पूछा जाता है कि किडनी स्टोन का पता लगाने के लिए किस चीज़ का क्या किया जाता है, तो CT स्कैन। क्वेश्चन पूछा था एक ह्यूमन आई से रिलेटेड, कि दो चीज़ें दे रखी थी, रेटिना और एक चीज़ और दे रखी थी कॉर्निया, और पूछा था कि ये किस मानव शरीर में किस अंग के भाग हैं, तो आपको पता है ये आँख के भाग हैं। NDC का एस्टेब्लिशमेंट पूछा था। बास्केटबॉल एकेडमी पूछी थी कि पहली बास्केटबॉल एकेडमी कहाँ खोली गई है, तो ये देख लेना, शायद जयपुर इसका आंसर होगा, इसका कंफर्म नहीं पता है। इसके बाद अब मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवाना शुरू करता हूँ। ये 22 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लें ध्यान से, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एक बार। अगर जिनकी स्क्रीन छोटी है वो जूम करके ये देखिए यहाँ पे, अब स्क्रीनशॉट ले लें और फिर यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आरआरबी जी जेई 22 का ही ये सेकंड शिफ्ट का है, क्योंकि मैं सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस नहीं दे पाया था। ये देख लीजिएगा ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, ये देख लीजिए आप, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। उसके बाद यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा, साइंस वाले पोर्शन का। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ से ये हम बात करते हैं मैथ्स रीजनिंग का, पता है लोकसभा से रिलेटेड, इसमें ये बिहार का 40 कर लेना, इसमें गलत लिख दी गई हैं सीटें। और इसके बाद ये साइंस का पोर्शन है, ये वाला क्वेश्चन है जीके का पोर्शन, इसके बाद ये पूरा ख़त्म हो गया। ये 60 पेजेस थे जो अभी तक जेई का एग्ज़ाम हुआ है। तो आप लोगों को इसका सारा एनालिसिस भी मिल गया है, सारी चीज़ें जितने भी पेपर्स हुए हैं ये आपको मिल गए हैं। अब उम्मीद करूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इन सबको आप दोहरा के चले जाएंगे, तो हो सकता है कि यहाँ से आपके 2 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाएँ, क्योंकि 7 पेपर में दिया गया है, तो करीब करीब आपके पास ये 300-400 क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर दोहरा के जाएँ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय कहने से पहले ये बोलूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इसमें कोई गलती हो गई है, देखो ह्यूमन एरर कुछ भी हो सकती है, तो आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर इसका ये आंसर नहीं, ये आंसर होना चाहिए, तो उसे हम ठीक कर देंगे। वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नीचे कमेंट में पिन कर दी जाती है कमेंट, अगर कोई भी एरर होती है तो। ठीक है, फिर चलो अभी आगे भी इसी तरह से एनालिसिस लेके आएंगे, और ये जो इसकी अगर पीडीएफ बोलोगे तो आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि 2 से 4 दिन के अगर पेपर हो जाते हैं उसका एक साथ ही दे देता हूँ। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की सारी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।